ओके, टू अंडरस्टैंड बायोमैकेनिक्स। हमारे साथ आज एक पेशेंट बहुत दूर से आए हैं। उनका लॉक जॉ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या टीएमजे जॉइंट डिसफंक्शन है। स्पैज्म, टाइटनेस होता है इस सब जगह, खाने के टाइम या खाने के बाद ज्यादा दिक्कत होता है। अपना रेटा कतदिन धरे होच्छे ব্যথাটা? 3 বছর। কোথায় ব্যথাটা হচ্ছে একটু আঙ্গুল দিয়ে দেখান সবাইকে। মুখটা হাঁ করে খুলে আস্তে আস্তে হাঁ করে খুলে দেখুন। जब खोल रहा है दिस इज द मैक्सिमम वो खोल पा रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं खोल पा रहे, तो दिक्कत होता है खाना खाने में। उनका जॉ जो है वो थोड़ा सा राइट की तरफ डिविएट कर रहा है, यानी टेढ़ा खोल रहा है। एकदम माइनर है बट दैट्स वेरी एसेंशियल, क्योंकि आपका जो दांत है तो दांत एकदम बराबर से नहीं बैठेगा, वो थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो हम एक बार उनका एक्सरे देख लेने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। और हम तो भूल ही गए पूछने से कहां से आए हैं, कोथा से के एसचेन अपनी बांग्लादेश कोथाए थाके गोपालगंज। तो हम एक बार जल्दी से एक्सरे देख लेते हैं, आइए हमारे साथ। हम अभी देख रहे हैं राइट साइड ऑफ द जॉ, दिस इज कॉल्ड द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या टीएमजे जॉइंट। तो ये जगह जो है साइनोवियल जॉइंट है, तो एक डिस्क होना चाहिए। तो यहां पे और यहां पे दो अंतर दिख रहा है हमारा। ये स्पेस तो यहां पे बढ़िया सा है, जब मुंह बंद है, जब मुंह खोल रहा है ये एकदम ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। और यहां पे एक मसल होता है मैसेटर मसल, ये मैसेटर मसल टाइट हो गया है, इंक्लूडिंग टेम्पोरालिस मसल, दो मसल खींच के ये जॉ को लॉक कर रहा है या बंद कर रहा है। तो हम अभी उसी का ट्रीटमेंट करके खोलने का कोशिश करेंगे ताकि ये मैसेटर मसल रिलीज हो जाए। और एक चीज करेंगे वो तो सीक्रेट रहेगा, और लास्ट तक रहिए क्योंकि हम एक टिप बताएंगे आपको, दो एक्सरसाइजेस टू रिलीव योर टीएम जॉइंट प्रॉब्लम। तो एकदम पकड़ के रखिए ताकि लास्ट तक आप वो दो टिप एकदम अपने दांत के पास जो ये मसल होता है वो कर सकते हैं और टीएम जॉइंट फ्री हो जाएगा आपका। आइए हमारे साथ, ढीला छरवेन लूज, हल्का छरवेन लूज रखे दिन, आवाज ढीला छेड़ दिन, छेड़ दिन। फर्स्ट ट्रिप को भी हम टारगेट करते हैं। ओके, रेस्ट लूज, ढीला छाड़ून, डान हाथ सामने थक भी ढीला छाड़ून, कोमरे हाथ वेरी गुड, छेड़ दिन, छेड़ दिन। ढीला लूज, बस ढीला लूज। दिस इज पार्ट ऑफ क्रेनियोसेक्रल थेरेपी या टेक्निक CST। ढीला और एक बार बस देखी हाँ करे बोला। What I am doing is basically making the muscle and the tightness jita jo feel kar rahe the hamare patient, that we should be able to release it with the J technique. Hugely important to understand biomechanics like the back of the palm to have a very proper diagnosis, and us hisab se aap treat kar paoge. ढीला मां ढीला की इच्छु दरकार नहीं, जस्ट हाँ ढीला, वेरी वेरी नाइस एंड यू नो हाईली पॉजिटिव आउटकम दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट ये वाला ऑस्टियोपैथिक टेक्निक करने के बाद। ह्यूजली सक्सेसफुल बट हैवीली स्किल्ड होना चाहिए, ये सब एक दो दिन में नहीं सीख पाते हैं लोगों। एंड विल बैक ऑफ, उठे बसुन, हल्का हाँ कर रख। आई ट्राई टू रीसेट एंड रीअलाइन द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द जॉ और मैंडिबल विद इन द कैविटी अराउंड द जाइगोमैटिक आर्च जो जिसमें बैठता है टीएम जॉइंट, तो वो हम थोड़ा सा टैप इन कर देते हैं। नाउ टिप फॉर यू, द सीक्रेट दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, टू एक्सरसाइजेस दैट विल रिलीव
आपका जितना भी टीएम जॉइंट दर्द है वो कैसे आप रिलीफ कर पाओगे। एक्सरसाइज नंबर वन, ध्यान से देखिए, दो उंगली यहाँ पे रखिए, क्लॉकवाइज दो मिनट घुमाना है 50% प्रेशर दबा के, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज 50% प्रेशर देके दो मिनट करना है। तो ऐसे दो मिनट और उल्टा दो मिनट, दिन में 6 से 8 बार आप ये चीज कर सकते हैं। ये है एक्सरसाइज नंबर वन। एक्सरसाइज नंबर टू, सिमिलर चीज बट इन द टेम्पोरालिस मसल, 50% प्रेशर देके धीरे धीरे मसाज कीजिए, क्लॉकवाइज 2 मिनट्स, एंटी क्लॉकवाइज 2 मिनट्स। ये दो एक्सरसाइज दिन में 6 से 8 बार कीजिए और देखिए कितना कम हो जाता है टीएमजे पेन। हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक में फर्स्ट कमेंट में, ऑथर्स पोस्ट में दिया हुआ है, उसमें मंडे से सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक फोन नंबर खुला है। अंटिल नेक्स्ट टाइम।